सफीरे पाकिस्तान। सफीरे पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमा, वतन और वतन से दूर पाकिस्तानियों के दरमियान राब्तों का एक नाम। सफीरे पाकिस्तान, आपकी आवाज और आपकी पहचान। बैरून ममालिक में बसने और रहने वाले पाकिस्तानियों की कामयाबी और कारनामों पर मबनी प्रोग्राम सफीरे पाकिस्तान, आपकी आवाज और आपकी पहचान। जर्नलिज्म में 30 साल इज अ रियल ट्रेंड सेटर। द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कांग्रेस फॉर ऑल ऑफ द वर्क दैट यू हैव डन। आई एम प्लीज्ड टू कमेंस सफीरे पाकिस्तान फॉर इट्स डेकेड ऑफ टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। It's the one and only program. He's the true Pakistani. APNA is the largest democratic organization. Thanks, Safira Pakistan. Someone has to be a torchbearer. Raaton ka na khatam hone wala silsila, Safira Pakistan. Islam to khali pyar sikhata hai. You can win the war, you can win the heart through the media. Siyasi, gair siyasi, tajir, khwateen, bacche, boode, sabka man pasand program, Safire Pakistan. Hello Safire Pakistan. Sirf aur sirf, Jio. Hello Jio TV. Aapke jazbon ka tarjuma, Safire Pakistan. खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। सफीरे पाकिस्तान। Join the Council of the Pakistani American Chamber of Commerce or open a chapter in your city or state. Contact us for more information. Be a part of the business world and get success. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीरे पाकिस्तान के साथ हाज़िर ख़िदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं। सफ़ीरे पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम सफ़ीरे पाकिस्तान। नाज़रीन, मुझे बताते हुए बड़ा अफसोस और दुख भी हो रहा है कि आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ और यह अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह की रहमत है कि गॉड सेव माई लाइफ। मुझे एक हादसा पेश आया था 8 अगस्त को। मैं इंडिपेंडेंस डे के मौके पे तकरीबन 5.5 फीट स्टेज से अचानक नीचे गिर गया था, जिसमें मुझे बाकायदा लाइफ सपोर्ट दी गई और हॉस्पिटलाइज रहा मैं, और लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि कोई वाइटल इंजरी मुझे नहीं हुई। और आज मैं आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बत से, आपके प्यार से आपके सामने दोबारा मौजूद हूँ
और प्रोग्राम में पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा की तरह आपके दिलों की धड़कन है, आपकी आवाज़ है, और 12 साल से मुसलसल ये आपकी खिदमत करता चला आ रहा है और करता रहेगा। सफ़ीर पाकिस्तान आपका ट्रूली प्लेटफार्म है, ट्रूली वॉइस है, और आप इस प्लेटफार्म को यूटिलाइज़ करें क्योंकि ये आपका अपना ही प्रोग्राम है। नादिन, आज हम कुछ लोगों की मुलाकातें आपसे करा रहे हैं, जैसे कि कराते चले आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपकी कुछ लोगों से मुलाकातें कराऊं, आइए देखते हैं प्रोग्राम की हाइलाइट्स। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट मिस्टर जमाल ख्वाजा, जो एक रियल इस्टेट कंपनी के मालिक हैं, सोलार कंपनी, और मुख्तलिफ डिफरेंट इनके कंट्रीज़ में भी इन्होंने एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट की कंपनीज कायम की हुई हैं, जिसमें श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अमरीका। इनका वाशिंगटन जाना हुआ था DC में, तो वहाँ पर इनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने इनसे कुछ बातचीत की, वो भी बातचीत आज के प्रोग्राम में शामिल है। जमाल ख्वाजा, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके अलावा एक मुलाकात हमारी हुई है जनाब काउंसल जनरल ह्यूस्टन से, मिस्टर आकिल नदीम साहब से, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही एक्टिव और बड़े प्रो पाकिस्तानी टाइप के काउंसल जनरल हैं, और कम्यूनिटी के साथ बहुत मिलजुल के रहते हैं हर मौसम में। और सुना है इनके बारे में कि इनका दिल बहुत बड़ा है और बहुत खिदमत करते हैं ये अपनी कम्युनिटी की, तो एक वो भी इंटरव्यू आज के प्रोग्राम में शामिल है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में है लोकल ग्लोबल, जिसमें कम्युनिटी में होने वाली तमाम वो एक्टिविटीज़ हम शामिल करते हैं कि किसी न किसी शहर में कुछ ना कुछ होता रहता है। अगर आपके शहर में कुछ ना कुछ हो रहा है तो हमसे ज़रूर रब्ता कायम कीजिए। और अब आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब हम जमाल ख्वाजा साहब से, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CEO ऑफ द JFK रियल्टी। मुलादा फरमाइए ये रिपोर्ट। जमाल साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का बहुत एहसान है। तो माशाल्लाह आपका नाम काफ़ी मशहूर है JFK रियल्टी के नाम से जी। और लोगों के नाम से माशाल्लाह, और सुना है कि माशाल्लाह आप अच्छे काम कर रहे हैं, स्पेशली द मॉडिफिकेशन जी के अंदर जी बिल्कुल। और मैंने सुना है कि प्रोग्राम एक सफ़ीर पाकिस्तान में आ चुका है आपका, और काफ़ी उसको रिस्पांस मिला है जी, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है, और होपफुली उसका सेकंड वर्जन भी बहुत जल्दी आप देखेंगे इंशाल्लाह। जमाल साहब, आप अब माशाल्लाह काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं जी बिल्कुल, और आज इस हवाले से बात करेंगे जी। तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपने कैसा सोचा कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ज्वाइन करें, और उसकी एक होता भी